नमस्कार सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है ऑल इंडिया स्पीटेड डिस्कशन में। तो आज हम लोग का टर्न है एसटी नंबर 13 का। तो 13 का सीरीज आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो मैथ्स के सेक्शन को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए बातें शुरू करते, कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए। जो आ गया है उसके बेहतर सॉल्यूशन को देखिए, जो नहीं आया उसको ध्यान से देखिएगा और अपने एप्टीट्यूड को एनहांस करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि सीरीज का है, देखिए इसको। तो पहले सीरीज को हम लोग लिख लें, पहले सीरीज को लिख लेते हैं। तो 1 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है, 319 है, 5124 है, 163993 है। देखो बेटा, क्योंकि सीरीज बहुत तेज बढ़ी है तो इसमें, यहाँ 7 है तो इसमें कुछ ना कुछ आपका वो होगा, क्या कहते हैं उसको, मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन का, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो स्क्वायर क्यूब का होना ही होना चाहिए क्योंकि सीरीज बहुत तेज बढ़ी है। ठीक है ना, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अगर हम देखें एक से अगर 7, क्योंकि आगे बहुत तेज बढ़ा है तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन तो हमें लेकर चलना ही पड़ेगा। तो 7 तक पहुंचने के लिए अगर हम इंटू 2 कर दें और प्लस 5 कर दें, 7 पहुँच रहे। चलो अगला देख लेते हैं। अगर हम इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 7 चौके 28 और प्लस, क्योंकि आगे बहुत तेज बढ़ा है तो 5 दूनी 10 करके देख लेते हैं। तो 7 चौके 28 28 और 10 38। अब चेक करते हैं क्या ये ऐसे मिल रहा है इंटू 2 का क्यूब प्लस, और देखो 5 का दोगुना 10 हुआ है। 5 का दोगुना कितना हुआ बेटा, 10 हुआ है, या 5 का दोगुना करके 10, और हाँ बंद कर दिया, 5 का दोगुना 10 हुआ तो 10 का दोगुना या तो 20 करें या तो हम 5 का टेबल चढ़ाएं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, 319 पाने के लिए क्या करना होगा। तो 38 में हमें 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का क्यूब 8 है ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, और 6 8 3 24 और 6 304 आया, और उसमें 319 पाने के लिए हमें क्या है, 15 जोड़ना होगा। 319 पाने के लिए 15 जोड़ना होगा, यानी 5 का टेबल चला दो, यानी कि मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 का पावर 4 और 5 का टेबल ऐड हो रहा है, 5 के टेबल में, 5 के मल्टीपल में। तो अगला हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग समय बचाएंगे। इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 5 चौक का 20 और इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 5 25 25। इसको आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, और 38 हमारे ऑप्शन में भी है, 38 हमारे ऑप्शन में भी है। ठीक है बच्चा लोग, ओके देख लो, चेक कर लो एक बार, आप देख लीजिए। अगला चला जाए, करेक्ट। चलिए अगला वाला चलते हैं। चलो ऐसे स्लाइड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के एक बार हम लोग लिख लें। तो क्वेश्चन है 5 9 25 73 क्वेश्चन मार्क और 521। ठीक है, तो यहां से क्या है, 4, तो एडिशन कर देते हैं 4 का और प्लस 1 कर लेते हैं, 5 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 5 5 10 हुआ ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। तो एडिशन अगर हम 2 का करें 2 का पावर 1 प्लस 2 अगर भी ले चले, देखो तो प्लस क्या करें, 2 प्लस 2 यानी कि 4 जोड़ दिया। अब आगे चलो, तो अब कितना एडिशन करें, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 का स्क्वायर 4, 9 और 25 में डिफरेंस कितने का है, 9 और 25 में डिफरेंस है, 9 और 25 में डिफरेंस है आपका 16 का, तो 4 अभी 8 चाहिए, ये लंबा चला जाएगा, ये थोड़ा सा और लेकर चलना पड़ेगा। 1 के बाद 2 का क्यूब अगर कर ले, तो 2 का क्यूब अगर करना चाहें, क्योंकि वहाँ 2 का स्क्वायर नहीं हुआ है,
तो फिर ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। एक काम करो, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें, क्योंकि चार ही लाना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। दो का स्क्वायर चार, चार प्लस एक पाँच, लेकिन फिर तो ये दस हो जाएगा। पाँच से नौ की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। तो प्लस ना करके अच्छा चलो इनटू कर लेते हैं, हो सकता है ये भी बन जाए। देखो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम लोग, इनटू वन कर लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे एडिशन क्या करें, दो का क्यूब आठ है और आठ दूनी सोलह, बन तो रहा है, ठीक है ना। तो नौ नौ सोलह पच्चीस हो रहा है। इसी तरह अब हम क्या ऐड करें, दो का स्क्वायर, दो का क्यूब, दो का पावर चार इंटू, दो के बाद क्या आएगा, तीन आएगा। पहले इनका डिफरेंस देख लो, तो पच्चीस और इसका तो अड़तालीस हो रहा है ना। देखो तो तेरह में आठ और ये अड़तालीस हो रहा है, तो अड़तालीस लाना है। तो प्लस क्या करेंगे, दो दिन चार, चार चौके सोलह, और सोलह तीन अड़तालीस, ठीक है, हो गया सोलह तीन अड़तालीस, ठीक है ना। ओके, अड़तालीस जुड़ गया। इसका मतलब अब एक दो तीन हुआ, तो यहाँ इंटू चार अगर करने वाले हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो प्लस क्या करें हम, दो का पावर पाँच और इंटू चार, दो का पावर पाँच बत्तीस हुआ, यानी 73 में 32 को मल्टीप्लाई करना है, तो तीन दूनी छः, ठीक है ना, 14 और 9 23, दो सात्रिक 21 22 23, और उसमें अभी 32 मल्टीप्लाई किए, फिर चार और मल्टीप्लाई करना होगा। हम तो ऐड कर रहे हैं ना, तो मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, देख तरीके। तो 32 और गुड़े चार ही तो करना, ये 32 है और 32 गुड़े चार ऐड करना, चार दुनी आठ, चार तीन बारह, 128 ऐड करना है। तो अगर हम 73 में 128 ऐड करें, 73 में अगर हम ऐड करें 128, आठ तीन ग्यारह, तेरह बीस, 201 ऑप्शन में है। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कि 201 से अगर हम प्लस क्या करें, दो का पावर 6 इंटू 5, दो का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, और 64 गुड़े 5 अगर करें, 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 2 32, 320 अगर हम 320 इसमें ऐड करें, तो 320 521 आ रहा है, ओके है ये, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 201। थोड़ा सा वही है, समझना बूझना है कि क्या ऑप्शन जा रहा है हमारा, देखकर समझकर, ठीक है। चलिए अगला वाला चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखें इसमें है, तो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए, 1620, 1640, 800, 820, 390 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अब 1620, 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो 20 के डिफरेंस को हमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। बीस बीस के डिफरेंस को, फिर आगे 800 हो गया है अचानक डिक्रीज, यानी कुछ माइनस है, डिवाइड का केस होगा, चलो अच्छा ऐसे अगर देख लें, क्योंकि आगे देखो कमी भी हो रही है। तो अगर हम डिवाइड वन करेंगे तो 1620 होगा, और 1620 और प्लस 20 कितना होगा, 1640। अब हम डिवाइड टू कर दें, क्योंकि हमें 800 के पास पहुंचना है, 820 हुआ, 820 में से 20 को घटाना होगा, फिर से अब 820 आ रहा है, फिर से वही करो तो डिवाइड वन प्लस 20 बन गया बेटा, फिर डिवाइड टू माइनस 20 कर लो, ठीक है ना। डिवाइड टू करोगे तो 410 आएगा, और 410 में से 20 माइनस करोगे 390 आ रहा है, यानी कि फिर से अब डिवाइड वन प्लस 20 करना होगा, यानी 20 410 20, एक मिनट, माइनस है फिर प्लस ही तो करना होगा, डिवाइड 390 में 20 जोड़ देना है, तो कितना आ रहा है, डिवाइड वन प्लस 20 डिवाइड टू माइनस 20, डिवाइड वन प्लस 20 डिवाइड टू माइनस 20 डिवाइड वन प्लस 20 जाएगा,
तो 390 का डिवाइड 1 390 होगा और 10 410। देखो भैया अभी भी ये भी नहीं फिट बैठा है, एक बार चेक करो तो ये भी नहीं फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। देखो कोई पैटर्न में गड़बड़ी हुई है, ये भी तो हो सकता है नैनो दीज, लेकिन नैनो दीज ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन बनाना पड़ेगा बेटा। पैटर्न तो सही है, सब पैटर्न सही है, ठीक है ना। तो आंसर आपका 410 ही आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो किसी एक में बना लीजिए 410 बेटा, ठीक, क्योंकि इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा है। आप और ट्राई करिएगा, इसमें कुछ और पैटर्न के तहत कोई दिए गए ऑप्शन में से मिलता है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। ठीक, ओके, क्योंकि आप लोगों की भी राय लेनी जरूरी है, ठीक। तो इसमें अगर आप लोग करेंगे तो ओके, अगर इसके अलावा अगर हमें लगा, हमें तो ये लग रहा है 410 ही होगा, क्योंकि पैटर्न बड़ा बढ़िया बैठ रहा है और लास्ट तक जा ही रहा है, लास्ट में आंसर का बस वो हो रहा है कि आंसर कंफर्म है कि नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर इन पांचों दिए गए ऑप्शन में से कोई आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट में जरूर, कोई और पैटर्न देख के, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ओपन है ये, ठीक। अगला वाला चले और देखा जाए, एक बार चेक करिए आप लोग, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, बस मैं 30 सेकंड के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार देखिए तो इसको और बताइए हमें कि इसमें और कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। सही है, चले आगे नेक्स्ट वाले पे बात करें। चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाते हैं। ये 8, 15, 28, 49, 80, 123, ठीक है ना। तो इसमें भी देख लेते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए पूरा। 8 है, 15 है, 28 है, 49 है, 80 है, क्वेश्चन मार्क है। तो डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो कुछ एडिशन करना होगा। 8 4 12, 12 3 15, 8 4 4 12, और अगर हम 15 8 5 13 13 13 13 यानी ऐड क्या करें, जैसे यहाँ पे ये ऐड किए हैं तो अब क्या ऐड करें, 3 का स्क्वायर चेक करें, 9 9 5 24 24 और 4 बन गया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ ऐड क्या करें, 2 3 4 4 का स्क्वायर प्लस 5, चेक करके देख लो। अगर 4 का स्क्वायर 16 16 5 21 21 अगर जोड़ रहे तो आ रहा है 49, ठीक। इसी तरीके से अगला क्या बन गया बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस 6, यानी कि लास्ट वाला बन रहा है प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 और 7 कितना हो गया, 43, इसमें 43 जोड़िए 123, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 123, ठीक है, चेक कर लीजिए 123 के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, 43 आ रहा, 43 जोड़ रहे हैं हम लोग। चलिए अगला वाला, तो 57, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी क्योंकि अप्रॉक्सीमेट का नहीं है। 57 × 7.5, जहाँ कुछ नहीं लिखा जाता वहाँ ऑफ माना जाता है, ध्यान रखिएगा। 93 में से 19 माइनस करिए, 3 - 9 - 6 यानी 4, और 8 - 8 यानी 7, प्लस 288 है और मल्टीप्लाइड बाई 1/16 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 है, -18 का स्क्वायर 324 बराबर में क्वेश्चन मार्क। एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इतना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है हमें, ठीक है ना। तो
जहाँ कुछ नहीं लिखा जाता वहाँ ऑफ मानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ऑफ। ये थोड़ा सा हमने क्लास में आप लोग को बताया भी है, ठीक है ना। तो पहले ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका ऑफ आ जाएगा, तो 7.5, 15/2, और इसका आधा अगर करेंगे तो 37 आ जाएगा। 37 × 15 हम अपने तरीके से करें, आप अपने तरीके से करिएगा। 15 × 3 = 45, 15 × 7 = 105, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 5 5 आ गया। 16 से इसको काट देते हैं, 16 × 2 = 32 हो रहा है ना, तो 8 से एक बार चेक कर ले, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 36, 36 का आधा कितना होगा, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18, 18 बार में कट रहा है, 16 × 6 = 28, ठीक है। तो 18 × 3 क्या हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा, 18 × 3 = 54, प्लस माइनस लास्ट में देखेंगे, और वो 324 है। और यहाँ 57 × अब 5 कर लेना है, तो यहाँ पे 57 × 555 कर लेना है। तो एक बार 5 मल्टीप्लाई करो, 0 0 बढ़ाते जाओ, तो पहले एक बार 5 हम मल्टीप्लाई करें, ये वाला 5 इसे मल्टीप्लाई करें, 5 × 7 = 35, 3, 5 × 5 = 25, 25 × 3 कितना होगा, 28 होगा, बोलो बेटा। 5 × 7 = 35, 3, 5 × 5 = 25, 3 = 28, और उसके आगे 2 0, फिर 285 के आगे 1 0, फिर 285, तो ये बन जाएगा 5 × 8 = 13, 1 × 8 = 10, 5 × 5 = 15, 16, 1 × 8 = 11, 1 × 2 = 3, ये बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा किस में आ गया बेटा, 31635 + 54 − 324, ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह से आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू लिख देते हैं, अब इसको कर ले सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन हमने सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस कर लें, तो 5 × 4 = 9, 9 − 4 फिर से 5 आ जाएगा, 3 × 5 = 3 = 8, 8 − 2 = 6, फिर 6 − 3 = 3, फिर 1 और 3, 31365, 31365, ऑप्शन नंबर 3, ओके। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसको भैया देखना ही होगा आपको, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ अनअवॉइडेबल है, ठीक है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन अनअवॉइडेबल है। यहाँ से अगर चेक करो, 2 4 से 71 सही, 3/7 है, तो इसको देखना ही पड़ेगा आपको, ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो इसका आपको 7 गुना करना पड़ेगा, 7 × 4 = 28, अच्छा ये लो हो गया, 7 × 4 = 28 पे 2 0, 7 × 7 = 49 यानी 490, और ये 7, और फिर उसमें 3 भी ऐड करना होगा ना, तो 7 × 3 = 10, 1 × 9 = 10, 8 × 4 = 12 = 13, 1, और ये 3300, देखो 7 × 3 = 10, 1 × 9 = 10, 1 × 8 = 12 = 13, 1, और ये तो और परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है कि नहीं, तो ये 33 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा बेटा, 33 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका 33 आ रहा है, क्योंकि बदल रहे हैं, तो 33/7, डिनोमिनेटर में 7 भी तो है, 33/7, क्योंकि इंटू 1/100 कट जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो, 480% × 47, तो काम करो, 80% है वहाँ पे, 7 से इसको काट के देख लो तो एक बार, तो 7 × 25 = 7 × 25 = 7 × 28 = 6 7 × 9 = 63 490, तो ये हो जाएगा 33 ऑफ 490, प्लस इसको 480 को, तो ये 1/100 टूटेगा बेटा, 10 कटेगा, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 24 बार, आंसर तो पॉइंट में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 24 × 47/5, 80% क्या लिख लो, 4/5, यार परसेंट साइन उड़ा भी सकते थे ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ऑफ क्वेश्चन मार्क, 5 से आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 5 उड़ा देते हैं, हम आपको ऐसे दिखा देते हैं, ये 5 हटा के यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ओके। इससे थोड़ा सा फ्रैक्शन हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो 500 − 10 है, और ये कितना है बेटा, 5 × 15 = 1, 5 × 15 = 16, बस आपको माइनस करना है, तो 00,
और 5 5 25 दो, 16 5 80 और 2 कितना हो गया 82, और उसमें से क्या करना है 165 अंदर ले जाओ, 1650 माइनस करना है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। देखो यही सब है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करना होगा, ठीक है ना। तो ये 100 माइनस किया तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, नहीं 14 था ना, तो हाँ 8 है, सही है, 4 था 14 और 2 इधर ले लिया, ठीक है, यहाँ 0 और ये 8, तो ये बन गया आपका, ये पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा, ये पूरा का पूरा बन गया 80850 प्लस, ठीक है ना, ये प्लस हो गया। और क्या जाएगा, 24 × 47 जाना है, तो 24 × 47 24 × 96 960, ठीक है ना, 24 × 96 960। तो 50 − 3 भी कर सकते थे ना, 24 × 5 = 120, देखो इसको क्या कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको हम 50 − क्या कर लें 3 कर ले, और इसको 24 कर ले, 24 × 5 = 120 होता है ना, तो 120 पे 2 0, 120 पे 1 0, 24 × 5 = 120 और 1 0 और 24 × 3 = 72, 72 को माइनस कर दो, तो 100 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा 28, तो 1128, हाँ 1128 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1128 बन जाएगा। अब देखो ये बटे वाला 4 आएगा, जोड़कर डिवाइड बाई 4 करना है, कैलकुलेशन है ये तो है, ये हम भी मानते हैं भैया कैलकुलेशन वाला है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अब इसको कर लो ऐड, तो 0 और 8 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, 4 × 8 कर लेंगे 0, ठीक है ना, 4 × 16 कर लेंगे, 4 × 9 = 36 कर लेंगे, 4 × 16 4 × 5 = 20, 204.94.5 ऑप्शन नंबर 3, नॉन अवॉइडेबल कैलकुलेशन, नॉन अवॉइडेबल, ठीक है ना, ये सारे आपको प्रोसेस कैलकुलेशंस करने होंगे। अगला वाला चले, तो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने का तरीका तो आप लोग को मालूम ही है, तो इधर से 3 लिया, 2 किसके क्यूब के लास्ट में आता है 8, और ये किसके क्यूब से ज़्यादा है 8, 85, 8 का 512 और 9 का 729, तो किसके क्यूब से ज़्यादा है 8 के, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 88, देख लीजिए इसका क्यूब रूट कितना हो गया बेटा 88 हो गया, ठीक है, −1444 ये किसका है 38 का है स्क्वायर, अगर याद हो तो, और डिवाइड में 100 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 50/100 दैट इज 0.5, 1/2, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने देख लो, क्योंकि 0 हो जाएगा 8 − 3 = 5, 50/100 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5 भी लिखेंगे, तो नॉन ऑफ की तरफ चले चलेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ठीक है बच्चा, अगला चलते हैं। What should come in place of the question mark in the following question? फिर से वही है चीज़ें, 28 × 56 करना ही होगा, तो अपने तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2856 को, तो 6 × 8 = 48, ठीक है ना, 6 × 8 = 48 4, और ये 6 × 2 = 12, 5 × 8 = 40, 40 × 12 = 52 हो गया, 52 × 4 = 56 हो गया, कैरी 5 × 5 = 10, 5 1567 आ गया ये मल्टीप्लीकेशन, और प्लस 3 √32 का स्क्वायर करना है, आप ये भी कर सकते हो यूनिट डिजिट एस 5 वाले से कर सकते हो कि 325 का स्क्वायर कर लें, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 32 में 1 बढ़ा देंगे 33 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 × 96 होता है 960 और 96, ठीक है ना, तो 6 × 9 = 15 1 × 10 = 1056, चूँकि पॉइंट यहाँ लगा है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1056.25, ठीक है, माइनस अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराना होगा, ठीक है ना, 895 है तो हम दो पॉइंट बाद में खिसका देंगे, 235 × 895 को क्या लिख लें 900 − 5, ऐसे जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, बाद में दो पॉइंट खिसका देंगे ना, ठीक है,
देखो यहाँ पे तो अंदर ले चलते, 2 जीरो तो ऐसे ही लग जाएगा, फिर 5 9 45 हो जाएगा, 4 9 3 27 32, 3 9 18 21, और फिर माइनस करना है गुड़े 5 का, 5 5 25, 5 15 2 17, 1 5 9 10 11, और माइनस कर दो तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 और 2, तो कितना है, 2 अंकों के बाद पॉइंट, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा लो आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका 2113.25, और यही आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, अवॉइड नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि नन ऑफ दीज है, तो कैंसलिंग 9 वाला मत यूज करना, वो सब जमाना गया, परफेक्शन का जमाना गया, ऑथेंटिसिटी का जमाना है बेटा, बी ऑथेंटिक। अब चीजें बहुत कम ऑथेंटिक मिलती हैं, ना के बराबर। अब इसको प्लस माइनस कर लीजिए, तो ये तो पॉइंट, देखो 0.25 0.25 तो कैंसिल ही हो गया, उसको तो भूल जाओ क्योंकि यहाँ माइनस है, बाकी सबको देख लो, 0.25 में नहीं देख रहा हूँ। 8 और 6 14, 14 और -3 11, 11 का 1 कैरी 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 माइनस 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 1 6 6, 6 1 7, 7 रख दिया, और 1 और 1 2, और 2 2, 2 माइनस 2 0, 7 से 11, कुछ गलत हुआ क्या, हमने कुछ गलत किया, वो तो कट गया, कहीं कुछ गलत हो गया है क्या, एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन देख लो एक बार, 1056.25, 1568, 1, यहां पर भी ठीक है, यहां का देख लें, 895, 900 माइनस 5, ठीक है, 00, 5 9 45, 4 हुआ, 9 3 27, 32 3 हुआ, 9 2 18 21 हुआ, और 5 5 25 2 हुआ, 5 3 15 17 1 हुआ, 5 10 11, ये 5, ये 2, और 4 माइनस 1 3, ओ यहाँ 0, 210। ला भैया फिर से लिखो, ठीक है, अब सही हो गया, इतना कैलकुलेशन करते करते गड़बड़ी हो गई यार। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1568 प्लस 1056.25 माइनस 2103.25, ये था, ठीक है बच्चा लोग, पार्ट ऑफ द लर्निंग। तो बस 0.25 0.25 तो कट जाएगा, 8 और 6 14, 14 माइनस 3, 11 कैरी 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 माइनस 0, 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6 6, 6 माइनस 1 5 हो गया, और बाकी 1 प्लस 1 2, और ये कट गया, 0 हो जाएगा, तो 521 आ गया बेटा, कितना हो गया, 521। ओके यहाँ पे 0 रहेगा, ये वाली गड़बड़ी हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है इस बार, क्वेश्चन मतलब सिंप्लीफिकेशन वाले, अगला वाला चलते हैं। 19.5% परसेंट, ये परसेंट, ये वाला परसेंट और ये 2 जीरो कट जाएगा, ये वाला परसेंट और ये 2 जीरो कट जाएगा, बस। अब चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, अप्रॉक्सीमेट तो है नहीं, ये भी कर सकते हैं, इसको क्या लिख लें, 20 माइनस 0.5 लिख लें, 20 माइनस 0.5 लिख लें, और इंटू 24 है तो 24 दूनी 48, ठीक है ना, और 0.5 ना, 0.5 यानी आधा, तो 24 का आधा कितना हो गया, 12, तो 70, 70 में से 2 घटाओ कितना हो गया, 68, 468, ठीक है बेटो। अब आ जाओ 74.5, 3/4 सिंप्लीफाई किया जाए इसको, 75% अगर नहीं, 75 75 मल्टीप्लाई बतिया वही हो जाएगा, तो 74 × 38 प्लस आधा कर लें, ठीक है ना, क्या कर लें इसको, क्या कर लें बेटा, 74 × 38
74 × 38 और प्लस 38 का आधा 0.5 ना 19, तो 74 × 38 तो ऐसे ही हो जाएगा 4×32 3, ठीक है ना। ये 7×56 और 4×3 12, 56 और 10 66 66 और 2 68 68 और 3 कैरी, बोलो 68 और 3 कैरी 71, 71 का एक कैरी 7, 7 × 21 21 और 7 कितना हो गया 28, और इसमें क्या जोड़ दो 19 और जोड़ दो भैया, 19 जोड़ो कि माइनस जोड़ो, ठीक है ना। वहाँ पर क्या था, वहाँ माइनस है, यहाँ जोड़ना है, 9 × 2 11 1 1 1 2 1 3 और 28 31 आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा 28 31 आ गया। बाकी सब इधर ले आओ, बाहर लास्ट में स्क्वेयर रूट लेना है, ठीक है ना। चलो अब एक तरफ ले आओ, तो इसे तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वेयर इज इक्वल टू 468 + 2831 + 426.8 और + 499.2। तो क्या करें, पहले पॉइंट वाला देख लो अपना, पॉइंट वाला ज़्यादा नहीं है, 8 × 2 10 एक आएगा, 8 × 2 10 0 एक आएगा, एक कैरी लेके आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 × 1 9 9 × 1 10 10 और 6 16, कोई तो माइनस नहीं हो रहा है, 16 और 9 25 25 का 5, कैरी 2 6 2 8, 8 और 3 बेटा कितना हुआ 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 का 2 कैरी कितना हो गया 2 4 2 6 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22 का 2 कैरी फिर से कितना आ गया 22 में, तो 2 2 और 2 4। तो ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब लास्ट डिजिट एस 5 वाले से कर लो, तो ये 25 क्यों आया होगा 5 की वजह से, और ये 6 × 7 = 42 होता है, तो छोटा कौन है 6 65, प्लस माइनस में आएगा तो हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 65 हो गया, स्क्वायर रूट निकाल लिया गया, ठीक है, चेक कर लीजिए, ओके है। अगला वाला ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखो अगर आप DI को एक बार रीड आउट करो तो कह रहा है कि फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज ओवर द ईयर। तो बेटा एक तो वर्ड परसेंट प्रॉफिट वर्ड यूज होता है, और एक होता है एक्सपेंडिचर, और एक होता है इनकम। तो एक्सपेंडिचर को आप CP की तरह लेकर चलेंगे प्रॉफिट लॉस के, और इनकम को SP की तरह, यानी परसेंट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे एक्सपेंडिचर यानी CP × 100, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान कर लेकर चलिएगा, यानी प्रॉफिट का अमाउंट जो है आपका, चूंकि SP - CP होता है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर लेना। इतनी चीज़ें आप प्रॉफिट लॉस वाले, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट वाले, कंपनी के परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वाले DI में लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इन विच आर द फॉलोइंग ईयर द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू इनकम फॉर द कंपनी इज द लीस्ट। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपन एक्सपेंडिचर, तो अगर 20% का अगर प्रॉफिट है तो उसको फ्रैक्शन में बदलिएगा, तो 5 नीचे एक्सपेंडिचर होगा और 1 प्रॉफिट होगा, तो इनकम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें करना है, हमें दिए गए ऑप्शन को ही बस चेक करना है। हम किस किस को चेक करेंगे, 2006 को देखेंगे, 2007 को देखेंगे, 2008 को देखेंगे, 2009 को देखेंगे और 2010 को देखेंगे, ठीक है ना। अब इनका क्या करें, अब हम लोग सारे परसेंट प्रॉफिट को उठा लेते हैं। 2006 में किसकी बात हो रही है भैया, एक ही, ये पहला वाला है 45%, तो 45% को 9/20 लिख लिया, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर टू इनकम, तो रेशियो एक्सपेंडिचर 20 है और इनकम 29 है, तो 20/29 कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये 29 है, 29, अगला वाला 2007 वाला 60% है, जिसको हम 3/5 लिखेंगे, 5 × 3 = 8, 5/8 कर देंगे। अब आ जाओ 2008 का, 2008 में 65% है, तो ज़्यादा नहीं, 13/20 होगा, 20/20 + 13 कितना हुआ 33, 20/33 यही रेशियो लेना है हमें एक्सपेंडिचर टू इनकम।
अगला वाला क्या है, 2009 है, 2009 75%, तो 3/4 की 4 × 3 = 7, तो 4 × 4 = 7 हो गया एक्सपेंडिचर इनकम। इसी तरह 2009 के बाद 2010 वाला लेना है, फिर से ये 13/20 यानी कि 20/33 हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर टू इनकम रेशियो लीस्ट है, सबसे कम देखना है। ये तो दोनों बराबर है तो इनको तो ऐसे ही उड़ा दो भैया, ये दोनों बराबर है तो उड़ा दो, क्योंकि दो आंसर तो होंगे नहीं, एक का आंसर होगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। फिर से बोलूँगा, दो आंसर तो होंगे नहीं तो इसको मैं चेक ही नहीं करूँगा। अब बाकी जो बचे उसी में से हमें लिस्ट लेना है, ठीक है ना। तो उसमें अगर लिस्ट लेना है आपको तो देखो, अगर इसको हम देखें पॉइंट लगाएंगे तो 200 होगा, तो ये लगभग 6 बार जाएगा, नहीं 3 × 6 = 18, ठीक है ना। तुम नहीं तो वो 70 ले जाओगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा। अब देखो क्लोज चला गया, और ये 40 है, 7 × 5 = 35 चला जाएगा। तो लिस्ट तो हमें दिख गया, यहाँ पे लिस्ट कौन दिख गया, 7 × 5 = 35 हो गया ना, ठीक 40 है ना, तो लिस्ट कौन दिख गया आपको, 2009 वाला दिख गया, देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन ओके, हमें पूरा करना नहीं है इसको, बस इस रेशियो को निकाल लिया जो अभी हमने सारी बातें बताई हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, तो उसी थीम को लेकर आगे बढ़ा जाए बेटा। इनकम बी का 8 में दिया हुआ है, 8 में बी का इनकम, 8 में बी की बात हो रही है, 45%, तो 9/20 ये प्रॉफिट है, नीचे एक्सपेंडिचर है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन द सेम ईयर, तो बेटा चूंकि इनकम आपका 720 है और रेशियो में अगर देखेंगे तो इनकम कितना है बेटा, 29, ठीक है ना, बी की ही तो बात हो रही है 2008 में, फिर 29 की वैल्यू हो गई, होल नंबर तो आएगा ना, और एक्सपेंडिचर 20 है ही। अच्छा लगभग वर्ड यूज भी किया है, तो लगभग के लिए इसको 30 कर लेते हैं, तो ये 0 कट जाएगा, 3 × 6 = 12 और 24 × 48 = 480, ठीक है ना, तो लगभग ये हो गया। तो बेटा देखो डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, बढ़ाया, तो ये आंसर लेस आया है, तो 480 से ठीक बड़ा कौन है, 496, लगभग जाना है ना, वो थोड़ा लेस आया है क्योंकि हमने 29 को 30 किया, डिनोमिनेटर को बढ़ाया था, ठीक है ओके। चलें आगे, यहाँ पे ऐसे अप्रॉक्स लगा देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कटा है। ये अगला वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट परसेंट ऑफ टू कंपनीज अप्रॉक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब जितने भी प्रॉफिट परसेंटेज है उनका एवरेज लेकर डिफरेंस बताना है। तो बेटा सब में तो सेम ही डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 हम डिफरेंस निकालने के बाद कर लें, चाहे हम एवरेज का डिफरेंस निकालें या डिफरेंस लेकर एवरेज निकालें, दोनों बात एक ही होगी कि नहीं, बोलो बेटा। सबको जोड़ते हैं जो परसेंटेज प्रॉफिट है, तो पहले इनका देख लेते हैं, 45 और 60, 105, 105 और 5, 110, 170, 170, 240, 240, 245, 245, 250, 310, 310, 360, 360, 400, 405, 405, 455, तो ये सबको जोड़कर 455 आ गया। अब डिफरेंस पे आ जाओ, बी वाला जोड़ लो, ये क्या हो गया 70, 7 × 4 = 11, 115, 115, 165, 165, 165, 205, 205 और 205, 240, 240, 280, 280, 310, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 8 कर दोगे, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए कुल कितनी कंपनी है, 8 कंपनी है, तो डिवाइड बाई 8 करेंगे ओके बेटा। तो इनका डिफरेंस ले लीजिए 90, 9, 5, 14, 145, एक मिनट, 90 इधर से 400, 90 में 55 जोड़े 145, 145/8, तो ये कितना हो गया, लगभग ये भी पूछा है, तो 8 × 1 = 8,
8, 9, 63 और दशमलव 4, 8, 16 19.2 अगर है तो हम अप्रॉक्स कितना कर दें, चूँकि 18 दिया तो 18 दो भैया, 8 कम 8, 8, 9, 63 होगा ना, तरीके कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं दे दिया ऑप्शन। 19.2 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो कितना ऊपर जाएंगे, 23 तो जा चले नहीं जाएंगे, तो 18 सबसे पास है भैया, 18 ही लगा दीजिए आप, ठीक है ना, ओके, क्योंकि वैसे होना तो चाहिए 19, ऑप्शन में नहीं है तो आप 18 दीजिए सबसे पास वाला, तो अप्रॉक्स हमने 18 दिखा दिया। परसेंट प्रॉफिट का ही डिफरेंस बोला है, प्रॉफिट के अमाउंट का नहीं, क्योंकि अगर प्रॉफिट के अमाउंट के डिफरेंस का एवरेज पूछता तो हम डेटा इनएडिक्वेट बोल देते, हम नहीं निकाल पाते उस केस में, ठीक है। अगला चलते हैं, आइए इसको देखते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न, ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 18 मिनट एंड 12 मिनट रेस्पेक्टिवली। If the pipe A is opened at 3 p.m., then find after how much time should be opened so that cistern will be full at 3:09 p.m. तो कितने बजे खोला गया है, 3 p.m. पे खोला गया है और 3:09 पे भराना है, यानी कि टोटल टाइम कितना लगना चाहिए, 9 मिनट का टाइम लगना चाहिए, और 9 मिनट में अगर हम देखें तो पहले किसको खोला गया है, A को खोला गया है। अब क्या कह रहा है, कितने समय के बाद B को खोला जाए, ये वाला टाइम निकालना है, कितने समय के बाद बी को खोला जाए ताकि 3:09 पे सब भर जाए। तो हम लोग बेटा पहले एलसीएम ले लो 36, ये टोटल कैपेसिटी कह सकते हो, और इफिशेंसी निकाल लो 2 और 3। बेटा इस टाइमलाइन में आप क्या देख पा रहे हो, इस टाइमलाइन में आप ये देख पा रहे हो कि ए जो है पूरे समय के लिए यूज़ हुआ है 9 के 9 मिनट में, ठीक है ना। तो ए को अगर हम देखें तो ए 9 के 9 मिनट में पूरा यूज़ हुआ है, तो ए 1 मिनट में अगर 2 भरता है तो 9 मिनट में ही 18 भर देगा, यानी डेफिनेटली बाकी जो 18 बचा है, बाकी जो 18 बचा है वो बी ने ही भरा होगा, क्योंकि और कोई तो दिख नहीं रहा है। तो 18 भरना है बी को, हर मिनट में 3 भरता तो कितना मिनट लेगा, 6 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 6 मिनट आ गया, ये वाला पोर्शन कितना आ गया बेटा, 6 मिनट, ध्यान देना अभी आंसर 6 मिनट ना दे देना, ये वाला पोर्शन 6 मिनट आ गया, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना आएगा, 9 - 6 = 3 मिनट। ठीक है ना, 3 मिनट बाद बी को ओपन किया जाए, ठीक है बेटा, देख लीजिए। चलें अगला। 3 बिजनेस पार्टनर है, ए बी और सी, इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल 6:4:11 के रेशियो में, ठीक है ना, देखते रहो 6:4:11 के रेशियो में इन ए बिजनेस। आफ्टर 2 मंथ्स ए ने अपने हाफ्ड होना चाहिए, चलो कोई, ए ने अपने कैपिटल को आधा किया, बी ने डबल किया, सी ने उतना ही रखा, 1 साल के अंत में टोटल प्रॉफिट इतना हुआ और बी का निकालना है, तो ठीक है, तो ए का आधा करना है, 2 मल्टीप्लाई कर दे, बी का डबल करना है, सी का वही रखना है, और ये क्या है, 2 महीने के बाद, और आफ्टर द ईयर है तो बाकी 10 महीने। तो काम करो, ये जो कैपिटल का रेशियो है ना इसमें इंटू 2 कर दो, ताकि हमें आधा करना आसान हो, इसमें इंटू 2 करके 12, 8 और 22 कर दें, ठीक है ना। तो ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 22 हो गया। 2 महीने के बाद ए ने आधा कर दिया, 2 महीने तक 12 लगा रहा, 12 का आधा 6 हो गया, आखिरी 10 महीने के लिए, ये ए का हो गया। और बी ने 2 महीने के बाद डबल कर दिया है, 8 × 16 लगा 10 महीने के लिए, और सी अनटच्ड रखा, मतलब 12 महीने के लिए ये 22 लगा हुआ है इसका, ठीक है ना। तो बस ये सी इंटू टी का रेशियो आ गया, टोटल सी टी का, अब जो सिंप्लीफाई जितना हो पा रहा है उतना कर लो, 24, 60, 16, 160, 12 देख रहे हैं सब में कॉमन हो रहा है क्या, 8 × 16 नहीं, 4 सब में कॉमन निकल रहा है, तो पहले 4 से तो सबको हटा दें, 4 3 12,
साठ, 15 चौका 60, फिर ये एक काम करो पूरा लिख देते हैं ना, ये देखो 12 दुनी 24 हो रहा, 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 15 बार, 8 दुनी 16 4, 160 40, और 4 थी यहीं, ताकि ना फिर बाद में दिक्कत ना हो। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाता है रेशियो, 6 5 11 21 ये हो रहा है, और 44 ये हो रहा है, और 66 ये हो रहा है, और फर्दर कुछ कटने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, टोटल 1441 है, 1441 टोटल है, रेशियो में टोटल देख लो तो 4 1 5 6 5 11 कैरी 1 3 4 3 7 13 131, और उसमें किसका निकालना है, बी का यानी 44 का, एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है, देखिए ये 11 बार कट रहा है, 4 8 4 484, ये किसका आ गया, बी का शेयर 484, ठीक है, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलें अगला, कितने वे से अरेंजमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं, ऑलवेज कम टुगेदर, तो जिसको टुगेदर लाना है उसको बॉक्स में बंद करो, जो फ्री है उसको बाहर रखो, तो ए आर आर ए एन जी ई एम ई एन टी, और इसको टुगेदर लाना, बॉक्स में रख के एक मान लो इसको, जैसा आपने सीखा है, और जो फ्री है उसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 1 कितना करो, 7 1 8, तो 8 फैक्टोरियल, और बॉक्स के अंदर कितने हैं, 2 2 4 4 फैक्टोरियल। अब जो जो रिपीट कर रहे हैं उनकी संख्या से, संख्या के फैक्टोरियल से डिवाइड करिए, आर देखिए 2 बार है, एन जी एम एन टी, एन कितनी बार है, 2 बार है, ए 2 बार है, और ई भी क्या है, 2 बार है, बॉक्स के अंदर जाओ देखो, अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो ये क्या है, सब ये सब 2 2 हो गए, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ये 24 है, पहले ये देखो ये कितना है, ये 24 है, तो काम करो ना, 8 ही है, तो इसको 8 × 7 का फैक्टोरियल कर लें, और इसको 24 कर लें, अब बटे में 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 8 तो पूरा गया, और 2 से ये 12 बार, ठीक है ना, और 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 0 4 0, तो ये बनेगा 5 0 4 0 × 12, तो 0 हो गया, 12 4 48, 12 5 60, 60 480, ले हो, सो फैक्टोरियल में ही दे रखा है, हम दिखबो ना किए, चलो कोई बात नहीं, तो फैक्टोरियल में वहीं से उठा लो ना, कौन सा ऑप्शन है, 8 फैक्टोरियल किस में है, इसमें है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, चाहिए रहा पहला ऑप्शन, हम पूरा सॉल्व कर दिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। अगला चले, नेक्स्ट वाला, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम, रेशियो, क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम लेना है, सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है, और पेरीमीटर स्क्वायर का लेना है, रेडियस सिलेंडर का 3.5 दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर,
चलिए देखते हैं। चलो अब आगे क्या है, एक स्क्वायर की भी तो बात की है आपसे, नहीं तो एक आप स्क्वायर भी बना लीजिए, एक स्क्वायर ही बना लीजिए ताकि चीजों को समझना आसान रहे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाइट और डायगोनल सेम है। हाइट और डायगोनल क्या है बेटा, सेम है। अगर इसके हाइट की बात करें, हाइट और डायगोनल ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो अगर हम हाइट की बात करें तो अगर एक्स है तो डायगोनल भी कितना है बेटा, एक्स है, ठीक। आगे क्या बोला है देखो, रेशियो हमें वॉल्यूम और पेरीमीटर का बताना है, ये तो मालूम ही है, ठीक है ना। वॉल्यूम और पेरीमीटर का रेशियो बताना है और साथ ही साथ और क्या बोला है, रेडियस सिलेंडर का 3.5 सात बटे दो दिया है, रेडियस सात बटे दो दे दिया है, ठीक है ना। और वॉल्यूम, वॉल्यूम और पेरीमीटर का रेशियो बताना है, ठीक है ना, वॉल्यूम और पेरीमीटर का रेशियो बताना है, ठीक है। और कुछ दिया है देख लीजिए ऊपर, और क्या लिखा है, हाइट इक्वल टू डायगोनल रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो देखो बेटा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो आपका अगर प्रत्येक भुजा को ए मानेंगे, अगर प्रत्येक भुजा को हम ए मानेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए 4a करना होगा, तो a को हम अगर मानेंगे प्रत्येक भुजा को तो ये रूट 2a आएगा। यानी कि a की वैल्यू अगर हम x के टर्म्स में निकालें तो ये x अपॉन रूट 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि x से रिलेट कर पाएंगे। अब पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू a करना होगा यानी x अपॉन रूट 2। अब वॉल्यूम निकालो इसका, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऑप्शन में देख लो तो पहले पाई है कि नहीं, नहीं है तो पाई को हम तोड़ देंगे, पाई यानी 22, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 7/2 गुड़े 7/2 और इनटू क्या कर लेना है बेटा, एच कर लेना है, एच क्या है, एक्स, एच क्या है बेटा, एक्स है। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स गया कि नहीं गया, देख लो ये दोनों एक्स गया, बाकी काम क्या कर लो, ये 7 गया और ये 7 गया और ये 2 से कितना गया, 11 गया, ऊपर 77 आया और नीचे 2 आया और इस टू 4/√2, एक बार चेक करो इतना ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फर्दर कटेगा नहीं, 77√2 और इस टू 8 हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए ऑप्शन, आप चेक कर लो, 77√2 और 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, देख लो 77√2 और इस टू 8, ठीक है बच्चों, देख लो। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट वाला, एक मिनट, कौन सा, ये डिस्कस हुआ था, अब इसकी बारी है। अब इसमें क्या है बेटा, अ मैन कैन गो 13 किलोमीटर डाउन एंड 8 किलोमीटर अप इन 8 आवर्स एंड कैन गो 16 डाउन इन 4 आवर्स, फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय हिम टू गो 148 किलोमीटर डाउन, 15 अप, 13 स्टिल, ये टाइम निकालना है, तो हमें सब निकालना पड़ेगा। देखो ये वाला स्टेटमेंट से तो हमें बड़े क्लैरिटी से मिल जा रहा है, ये वाला स्टेटमेंट देखो, 16 किलोमीटर डाउन जा रहा है 4 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें मिल जाएगी,
16/4 4 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स प्लस वाई कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। और क्या है, 13 डाउन एंड 8 अप, 13 डाउन की स्पीड से, और डाउन की स्पीड कितनी है 4, 13 डाउन और 8 अप, अप की स्पीड यूएस कर लेते हैं, और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 घंटा, ठीक है ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई करिए, 8 अपॉन अप, 8 - 13/4 4/32, 32 - 3 19 बटा 4, एक बार चेक कर लो, माइनस हुआ 4/32, 32 में से 13 माइनस करना है, तो 32 में से 3 माइनस किए 29, 29 में से 10 माइनस किए 19, और 19/4 हो गया। अब आप यहीं से आप देख लीजिए यूएस क्या हो रहा है, 4/32 यूएस बराबर 4/32/19 किलोमीटर पर आवर। अब एक्स भी निकाल लो, एक्स क्या होता है डीएस प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2, 8 और 13 8 घंटे, 8 और 13 डाउन, डाउन की स्पीड 4 है, ठीक है, और बस क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 अप यूएस, और 8 घंटे टोटल है, क्योंकि हमने टाइम दोनों का टाइम जोड़कर बराबर 8 घंटा किया है, ठीक है ना। तो चलो एक्स भी निकाल लें, डीएस और यूएस का अंतर, तो नहीं एक्स निकालने के लिए डीएस और यूएस का सम बटे 2, 19/32 बटे 2, तो ये हो जाएगा 1976, 76 में 32 ऐड करके 32 + 6 = 8 और 7 × 10 बटे 2 कर दो, तो 54/19 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल टाइम निकाल लो, जो जो बोला है उनकी रेस्पेक्टिव स्पीड पकड़ लो, क्योंकि यूएस यहाँ है और एक्स यहाँ है और डीएस यहाँ है, जिसकी जिसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। कह रहा है कि 148 डाउन जाने का टाइम निकालो, तो 148 डाउन वाली स्पीड कितनी है 4, प्लस टोटल टाइम निकालो 15, अप जाना है तो अप वाली स्पीड कितनी है बेटा, अप वाली स्पीड है 32/19, और स्टील में कितना जाना है 30, तो स्टील वाली स्पीड कितनी है 54/19, एक बार चेक कर लो, और ये टोटल टाइम बताना है, निकटतम मान बताना है बेटा, यहाँ से इनका निकटतम मान बताना है, क्योंकि देख रहे हो कट तो रहा ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो 148/4 और 15/ जो भी लिखा है, और 30/ जो भी अपना फ्रैक्शन में लिखा है, तो आप इसको निकटतम मान के लिए अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 56.49, अगर बन रहा है तो 56.5 के आसपास चला जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, 56.5 आवर्स कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है ना। प्रोसेस तो क्लियर ही है आप लोगों को, ठीक। चलिए अगला वाला, 729 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 1/3, टोटल का 1/3 है, तो वाटर 1/3 है तो 2/3 होगा, तो 1/3 और 2/3 का रेशियो 2:1, 42 लीटर पानी है, मिल्क मिलाया है, 42 लीटर मिल्क मिलाने के बाद जो फाइनल मिक्सचर आया है, 42 लीटर मिल्क इन द मिक्सचर, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द मिल्क, ओके, तो मैं अब डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, तो 729/3, 2:1 में बांट रहे हैं, 729/3, 3 × 6 = 12, 3 × 3 = 9, तो 243 लीटर पानी हो गया, और दूध कितना हुआ, उसी का दुगना कर लो, तो 3 × 6 = 4 × 8 और 2 × 4, और दूध मिलाया 42 इसमें जोड़ लो, 6 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 6 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 4 × 1 = 5, और ये 243 कंसेंट्रेशन मिल का निकालना है, तो टोटल कितना हो गया, 8 × 3 = 11, 1 और 4 × 2 = 6, 1 = 7, 4 × 2 = 6 कितना हो गया, एक काम करो ना, इतना लंबा हम क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज निकालना है ना, एलिगेशन रूल लगाओ यार, ये बहुत लंबा जा रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हो रहा है, ठीक है ना। तो मिल्क का कंसेंट्रेशन है, वाटर कंसेंट्रेशन लेके चलते हैं, इनिशियली पानी कितना है 100/3 है, और जो प्योर मिल्क ऐड कर रहा है,
तो प्योर मिल्क में पानी तो रहेगा ही नहीं, तो कंसंट्रेशन जीरो होगा, और मिलाने के बाद ये कह रहा है कितना है एक्स, ये निकालना है, एवरेज निकालना है। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, 42 लीटर ही डाला गया है और ये कितना है 729 है। रेशियो अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लीजिए, तो एवरेज परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई दोनों का सम कर दें, तो इसमें जो इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये जीरो हो जाएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 1400 हो जाएगा, 1400 होगा बटे इन दोनों का सम 729 प्लस 42, तो 1400 बटे में 9 और 2 11 1, 4 2 6 1 7 और इस 7 771 इतना परसेंट आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन वाले हैं भैया, ठीक है ना। कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा, वाटर और मिल्क का निकालना है, तो मिल्क का लेके चले ना, फिर जो माइनस करना पड़ेगा लंबा चला जाएगा, मिल्क का लेके चलो, मिल्क का निकालना है, नहीं तो वही देख रहे हैं हम, कैलकुलेशन ही अवॉइड कर रहे हैं, कैलकुलेशन ही बढ़ता जा रहा है फिर से। तो इनिशियली 729 था और उसमें ऐड किया है मिल्क 42, इसमें 33 होल 1/3 है, तो अगर वाटर 33 होल 1/3 है तो बाकी कितना बच गया 66 2/3 आपका क्या बच गया, मिल्क, क्योंकि मिल्क का कंसंट्रेशन बताना है। अब यहाँ पे देखो, अब प्योर मिल्क ऐड कर रहे हैं तो प्योर मिल्क 100% होगा, और ये x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए चूंकि एवरेज वैल्यू है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 72900 और प्लस ये कितना है बेटा 200/3 ना, 200/3 तो 14 दुनिया 2800 बटे में कितना हो जाएगा दोनों का सम 729 प्लस 42, तो ये बनेगा आपका 009817 1 2241 और 757 0817 1 2241 और ये 7, ठीक है 9211 1 2241 771 इतना परसेंट बनेगा। इसी को सिंप्लीफाई करना है, कुछ गड़बड़ तो हो नहीं रहा है कि डायरेक्ट, अरे यार हम एलिगेशन रूल लगाते तब ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते, यहाँ डायरेक्ट करना है, यहाँ क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। एक बार जब हो जाता है ना तो बार बार वही चीज होती है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है इसको इसमें और फिर दोनों का सम, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम एलिगेशन रूल लगाते तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 200/3 गुड़े 729 प्लस 42 गुड़े 100 4200 बटे इन दोनों का सम 729 प्लस 42, 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 त्रिके 9 और ये 00 और 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 प्लस 4200 बटे में 9 2 11 4 2 6 7। अब ये 00 यहीं पे हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 4 12 1 हो जाएगा 5 और ये 771 गलत नहीं जाएगा, उसकी चिंता ना करिए, ठीक है ना। ओके ठीक, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो पांचवा ऑप्शन मिल जाएगा आपको 6848। काफ़ी कैलकुलेशन दे रखा है ना बेटा इस बार, ठीक है। चलिए अगला वाला चले, अब इसमें क्या है, अमन ने इतना इन्वेस्ट किया है फ्रूट शॉप में फॉर द होल ईयर, 4 महीने के बाद अमन और संग्राम ने उनसे ज्वाइन किया,
आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ अमन संग्राम ने ज्वाइन किया है और इतना लगाया है। नेक्स्ट ईयर अमन ने इतना और इन्वेस्ट किया, संग्राम ने इतना निकाल लिया। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर प्रॉफिट अमन का दिया है, टोटल प्रॉफिट बताना है, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली एंड रेस्ट इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो नहीं, सी टू टी का रेशियो। तो बेटा ये वही है, पहले हमें क्या करना होगा, सी इंटू टी का रेशियो पूरा निकालना होगा, ठीक है ना। सी इंटू टी का रेशियो हमें निकालना होगा। हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, चलो आओ देखते हैं। तो पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, सब में से 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो हटा दे ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। दो से भी काटना है तो काट सकते हैं, लेकिन इतना रख के चलते हैं अभी हम लोग। 2 साल की बात हो रही है, अमन है और संग्राम है, ठीक है ना। 44 से लगाया, 4 महीने के बाद संग्राम ने ज्वाइन किया है 60 के साथ, तो 4 महीना तो 24 में से हटा दीजिए, तो संग्राम का 20 महीना होगा, इसका पूरा 24 महीना पूरा करना है, ठीक है ना। ये 4 महीने बाद आया है, तो पहले साल केवल 8 महीना यूज हुआ, अमन ने इतना और नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट ईयर यानी 8 महीने के बाद, 4 महीने था नहीं, 8 महीने तक 60 इन्वेस्ट किया, फिर उसने क्या किया, 20 और इन्वेस्ट करके 80 कर दिया, इसका 1 साल इधर हो गया। ये 2 4 महीने था नहीं और 8 महीने के लिए इतना लगा रहा, और बाकी ये 12 महीने के लिए होगा। नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद, 1 साल तक यानी 12 महीने, तो 44 लगा रहा, और फिर 12 महीने के बाद इसने 10 और 10 निकाल लिए। किसने, अच्छा किसने लगाया है, नेक्स्ट ईयर अमन ने 20 लगाया है, तो इसने 20 लगाया तो इसका 64, अभी रुको उसका देख रहे हैं, 12 महीना, हाँ इसने निकाला है भैया, नेक्स्ट ईयर निकाला है, 1 साल जब बीत गया तो 1 साल बीता यानी इसके लिए तो 8 महीना बीता, क्योंकि 4 महीने था नहीं, तो इसने 10 निकाल लिया, 10 निकाल कर कितना कर लिया, 50, और ये अगले 12 महीने के लिए लगा रहा। ये रहा इनके प्रॉफिट डिविजन का रेशियो, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। सो सिंप्लीफाई कर लें पहले रेशियो को, 12 सब में से उड़ा दूं, 44 और 64, 60 और 40, 100 108, 40 और 50, 90, 9 1 9, 12 9 108, 12 और 10, 12 और 10 को क्या लिख लें, 6 और 5, तो 6:5 का रेशियो हो गया प्रॉफिट का, ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स प्रॉफिट अर्न बाय अमन इज 5520, आधा प्रॉफिट और बाकी कैपिटल के रेशियो में, आधा प्रॉफिट बाकी कैपिटल के रेशियो में, आधा प्रॉफिट इक्वली बांट लिए, आधा प्रॉफिट इक्वली बांट लिए हैं, तो अगर हम, क्योंकि अमन का दिया है तो अमन का हमें देखना पड़ेगा, तो काम करो ना, आधा करना आसान हो इसके लिए ना, टोटल प्रॉफिट, इसमें टोटल प्रॉफिट 11 हो रहा है ना, अब आधा वगैरह करना, फिर बाद में फिर आधा करना पड़ेगा, 2 बार आधा करना पड़ेगा, तो इनटू 4 सब में कर देते हैं, इससे ना काटना आसान रहेगा। टोटल प्रॉफिट हमने 44 मान लिया, अब अमन का पहले पता कर ले, अमन का क्योंकि दिया हुआ है और हमें टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो केवल अमन पे फोकस करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमने 44 ले लिया, तो आधा हो गया 22, फिर आधा इधर, ठीक है ना, तो आधा जो है
इक्वली बांटा, तो अमन को कितना मिला, आधा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, 11 मिला, ठीक है ना। और फिर इसका 6-5 के हिसाब से मिला, क्योंकि 4 तो कट ही जाएगा, तो 22 को 6-5 11 से डिवाइड किया और उसमें अमन का निकाल लिया कितना, 6/12। यहाँ पे कैपिटल रेशियो नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ क्या लिखना चाहिए, इन प्रोपोर्शन ऑफ दियर कैपिटल एंड टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टाइम अलग अलग है, यानी ए को टोटल कितना मिल गया बेटा, ए को टोटल मिल गया 23, ए को टोटल कितना मिला 23। थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूज क्या, थोड़ा घुमाया ज़्यादा है। अब इसी 23 की वैल्यू आपको दे दी गई है 5520, इसी 23 की वैल्यू 5520 दे दी गई है, और आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है जो कि हमने कितना मान रखा है 44। देखो बेटा यहाँ पे 24 और 20 लेना है, तो यहाँ पे 24 प्लस 20 कर लो 44, तो गुड़े अगर इंटू चौवा इंटू 4 करके 44 करें तो यहाँ 6 × 4 ही आएगा, 4 कट जाएगा, इसीलिए हम 6-5 में बांट दिए। अब 23 से इसको काट लो और सिंप्लीफाई कर लो, तो 23 से एक बार, क्योंकि पॉइंट कहीं है नहीं, 23 से एक बार अगर कटा, क्योंकि 23 दूनी 2 बार कटेगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, और 46 4 × 5 = 9 192 23 6 पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो दो बार में ठीक कटा है ना, एक बार चेक करो तो कैलकुलेशन को, एक बार कैलकुलेशन को चेक करो, पचपन 20 हाँ ठीक है, तो 23 से दो बार काट दिया 46, 6 × 5 = 11 ठीक है, तो 23 दूनी 46 46 46 यानी 4 × 5 = 9 192 ठीक है ना। अब 23 से कितनी बार ले चलो, 23 से अगर ले चलोगे तो 9 बार अगर ले चलो, अगर 9 बार ले चलो तो 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 18 19 20, तो 9 बार ना ले जाके 8 बार ले चलो 192 है ना, और 0 भी है, 8 बार ले चलो, कितना लिखा था मैंने, हाँ अब 8 बार ले चलो, तो 8 × 3 = 24 8 × 2 = 16 17 18 184 तो 184 इसमें से माइनस किया तो 184 6 × 6 = 2 = 88 पूरा कटेगा नहीं, मैं पूरा कट नहीं रहा है, एक मिनट लेट मी चेक, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, या दिमाग थोड़ा सा भारी की वजह से तो नहीं है, हाँ कितना हो गया 55 20 बटे में 23 और गुड़े में कितना हो गया टोटल 44। हाँ एक बार और कैलकुलेट करो, तो 55 20 को 23 से काटो, एक बार और टेबल पढ़ लो पूरी तरह, देखो कटना चाहिए, कारण क्या है, कहीं पर भी पॉइंट में दिया नहीं है, कहीं पर भी पॉइंट में दिया नहीं है, ठीक है। चार ही बार जाना चाहिए था, मैं उतना ज्यादा लंबा ले गया, हाँ चार ही बार जाना चाहिए था, मैं पता नहीं 7-8 कहाँ पहुंच गया था, 2 बार 4 बार 24 बार ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 चौका 96 960 और 24 चौका 96 6 × 9 = 15 1 10 10560 ये आंसर आ जाएगा, कर दिया भैया कैलकुलेशन, देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 10560 ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलें आगे, देखिए चंदू कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय बस एट ए स्पीड ऑफ 30 देन रिटर्न द स्पीड ऑफ बाय फुट, 30 की स्पीड से गया और 5 की स्पीड से पैदल वापस आए, टोटल टाइम होल जर्नी का दिया है,
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। तो काम करो, एवरेज स्पीड वाला लगा लो, 2ab/a+b, टोटल डिस्टेंस आने जाने का लगेगा, फिर उसको आधा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा आने जाने का टोटल होगा, फिर उसको आधा करना होगा, मतलब एक तरफ की डिस्टेंस अगर हम डी मान लें, एक तरफ की डिस्टेंस अगर हम डी मान लें, तो डी गया और डी आया, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो गया, और टोटल स्पीड एवरेज स्पीड 2ab/a+b, 2 × 30 × 5, 2ab/a+b, 30 + 5, और टाइम कितना है बेटा, टाइम है आपका 4.5 घंटा, 4 × 8 = 9, 9/2 घंटे, ठीक है ना। ये 35 हो रहा है 5 से 7 बार, ये 2 और 2 कट जाएगा, कहा भैया पॉइंट में आएगा का, अप्रॉक्सीमेट लिखा है, तो 15 × 135, 135/7, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, ठीक है ना, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, तो अप्रॉक्स 19 किलोमीटर, 20 तो दिया नहीं है, 19 × 7 = 133, ठीक है ना, एवरेज स्पीड वाले से कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, इसको एवरेज स्पीड से कर लिया। आगे वाला चलें, देखा जाए, चेक करें इसको, ठीक, हटाया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर एनम 1/9 है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली ले जाना है, तो हाफ ईयर का रेट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करना होगा, 1/18, ठीक है ना, और सेकेंड हाफ ईयरली मतलब 2 हाफ ईयर लेकर चलना है, तो हम प्रिंसिपल क्या मान लें, 18 का स्क्वायर 200 = 324, और फिर ये पहला हाफ ईयर बन गया और ये दूसरा हाफ ईयर बन गया, 1 1 का दुगना 2 कर दिया, इसका 1/18 = 18 और इसका 1/18 = 1 और ये भी 18, सेकेंड हाफ ईयर का कितना हो गया 19, 19 की वैल्यू कितनी दे दी गई है 70, और क्या पूछा गया है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द वन ईयर, क्या पूछा गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ द वन ईयर, तो टोटल इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा हमें, 18 का 18 = 36, 36 + 1 = 37, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 × 4 = 11, 1 × 5 = 6, 361 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, 361 की वैल्यू, एक बार चेक कर लो, नन ऑफ दीज चलेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि दिख ही रहा है नन ऑफ दीज का केस, इसमें क्या आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक। अगला चला जाए भैया, उसको कैलकुलेट भी कर लो, ठीक है, चले, तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 19 के टेबल से करो, 1317/9, अरे 19 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 19 का स्क्वायर ही तो है, नहीं है, 19 का स्क्वायर है, 19 × 7 = 133 हो जाता है, कितना हो गया 1330, ठीक है, चेक करें अगला वाला, बात किया जाए, अगला इसमें क्या है, को स्टडी द फॉलोइंग डेटा, देखो इसमें क्या दिया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इनरोल्ड किए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, परसेंटेज उन स्टूडेंट का दिया है जो इनरोल्ड फॉर द गिवन कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है, अलग अलग स्कूल, तो सबको जोड़ोगे तो 100 हो रहा है, तो ये टोटल है 80% का 25%, 80% का 20%, 80% का 35%, 80% का 20%, ये तरह इन सब का, ठीक है ना, ये संख्या निकलती आएगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ही की बात हो रही है, 40% आर फीमेल, तो इसका 18 × 72, 72 फीमेल है,
ठीक है ना, तो 60% 108 बच गए, ये मेल होंगे। इफ 25% ऑफ द टोटल फीमेल आर फ्रॉम स्कूल, इसका 1/4 स्कूल क्यू से है, तो फीमेल फ्रॉम क्यू इसका 1/4, तो 4 4 8 32 18। आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम PSR, डिफरेंस इन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम PSR हु हैज एनरोल्ड फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट ई टू दैट ऑफ स्कूल क्यू है PSR। PS एंड R, ओके ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम PS एंड R और स्कूल Q, E का PSR लेना है, E का PSR, PS और R लेना है फीमेल का, ठीक है ना। अट्ठारह फीमेल क्यू से है, ठीक है, तो बाकी फीमेल यहां से होंगी। तो एक काम करो, 30% इसका निकाल के ये टोटल निकालो, तो 180 का 30%, तो 180 का 30% कितना हो जाएगा, 18 3 54, 540, 54, 18 3 54 केवल आएगा। तो ये बताओ 54 में मेल फीमेल दोनों होंगे और इसमें फीमेल कितनी है, 18, तो 36 फीमेल इसमें हो गई, और टोटल फीमेल कितनी है, 72 है, टोटल फीमेल कितनी है, 72 है। तो फीमेल जो PSR की है वो क्या आ जाएगा, PSR की फीमेल 72 - 36 ही होंगे, ठीक। और स्कूल क्यू की फीमेल, स्कूल क्यू की फीमेल कितनी है, स्कूल क्यू की फीमेल है 36, तो ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, 36 36 बराबर आ रहा है। एक बार और देखते हैं क्या गड़बड़ी हो रही है, एक बार और देखो, तो क्या कह रहा है, ई में 40% फीमेल है, 25% यानी 1/4 क्यू में है, 1/4 क्यू में है, हम इसको 18 क्यों माइनस किए, तो टोटल है ना, 1/4 फीमेल क्यू में है, तो इसमें फीमेल कितनी है, इसमें फीमेल 18 है, तो बाकी फीमेल इसमें होंगी, PSR में फीमेल कितनी है, 36 है, एक मिनट रुक जाओ, 18 माइनस करेंगे, तो PSR में फीमेल कितनी है, 54 है, अब डिफरेंस निकालो, अब सही है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 36, 36 इज द आंसर, ए 18, एक बार देखो 18 आएगा, 36, हाँ 36 सही है, 54 है ना, हाँ ठीक है, 36 18 होता तब 36 आता, ठीक, ओके क्लियर। आगे चले, हम थोड़ा ज्यादा रीड कर गए थे, अगला वाला इसमें क्या है, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बी टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैव एनरोल्ड फॉर पी एंड आर टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पी एंड आर, पी और आर, इसकी बात हो रही बी की, पी में पी और आर, जो कि कितना है, 5 4 9 और 3 39, ठीक है ना, अप्रॉक्स व्हाट परसेंट लेस देन टोटल स्टूडेंट फ्रॉम क्यू एंड एस फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट क्यू एंड एस। तो बेटा बेस तो सेम ही रहेगा, 3 2 5 58, कितना कम है देखो, तो 19, ठीक है ना, क्योंकि 40 करेंगे तो 18 होगा, 18 1 19, 19 कम है, और 19 कम किससे है, 58 से, और इनटू 100 कर लो, ये अप्रॉक्स निकाल लो,
ठीक है ओके, एक बार चेक कर लीजिए कोई दिक्कत हो। देखो अगर 100 के बजाय और भी कुछ होता तो भी हम कैलकुलेट न करते संख्या, तो संख्या कैलकुलेट न करने का कारण क्या है? संख्या कैलकुलेट न करने का कारण क्या है बेटा? क्योंकि हमें रिलेटिव वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1900 है ना, तो अप्रॉक्स कितना दे दो, 33%, तो अप्रॉक्स 33%, ठीक है ओके। चलें आगे, अगला वाला। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एनरोल्ड फ्रॉम कोचिंग ए फ्रॉम पी एंड एस, फ्रॉम ए पी एंड एस, और टोटल कितना है 45%। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ऑफ द स्टूडेंट हु हैव एनरोल्ड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट सी फ्रॉम द सेम स्कूल टुगेदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट सी का सेम, इन दोनों का सम 8, 6, 14, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 44%। तो वहाँ 80 का 45% निकालना है, तो 80 का 45% कितना परसेंट है? सी की बात हो रही है, 250 के 44% से कंपेयर कराना है। तो पूरा कैलकुलेशन ना करते हुए जितना कट रहा है उसको कैंसिल आउट करिए, तो 5, 9, 45, 5, 5, 6, 25 और कुछ, 4, 2, 8, 4 से 11 बार, तो 9, 2, 18 और ये कितना 55। तो हमें ये बताना है कि 18 जो है 55 का कितना परसेंट है, पहला वाला दूसरे का, फिर 5 से ये 11 बार, 5 से ये 2 बार, तो 18 का 18, 18 36, 360/11, 11 3 33, 11 2 22, 11 7 32.7, 3 भी रख लो क्योंकि ऑप्शन में है, 32.73 ओके। अगला चलें, तो ये वाला एक क्वेश्चन है आपका, इसको अगर हम लोग चेक करें तो इसमें क्या है देख लिया जाए। इसमें क्या है चेक कर लिया जाए, तो इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैव एनरोल्ड पर कोचिंग इंस्टीट्यूट सी डी ई पर कोचिंग, यानी 3 से डिवाइड करना होगा, फ्रॉम पी आर क्यू एस, लो सबको लेना ही है, तो क्या तो सबका तो यही है, तो बस इन्हीं को जोड़ो, तो ये 0 होगा और ये 8, 5, 13, 1 होगा, 2, 2, 4, 630/3, 3, 2, 210 हो जाएगा। पर कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाना है तो 210, एवरेज क्या हो जाएगा 210 ओके, नन ऑफ दिस चले जाएंगे इसमें। क्लियर है सबको? बोलिए, तो भाई आप लोग को काम करते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और भाई स्पीड टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है ना। हम लोग ज्यादातर यही है सर। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon, never miss it, ठीक है, इसलिए आप लोग सिलेक्शन की बातें करते रहिए, ठीक, सिलेक्शन की बातें करने पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी लोग स्पीड टेस्ट लगाते रहिए, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट, ऑफलाइन स्पीड टेस्ट, और साथ ही साथ जो भी पीएसएस वगैरह उसको भी यूज करिए, कभी भी इसको हल्के में ना लीजिए। चीजें देखिए ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है ना, कभी एसटी में नंबर कम आता है, कभी ज्यादा, जैसे ये वाली एसटी आप लोगों ने लगाई होगी, हमने खुद महसूस किया, देखिए कितनी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटिव था इस बार का, तो वो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, तो डिमोरलाइज ना होइएगा। मिलते हैं अगली एसटी में, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।